أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب عمل صالح قبل القتال وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالكم وقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص قال امام البخاري حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن الصبار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتلوا وأسلموا قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا अबू दर्दा कहते हैं तो इमाम बुखारी कहते हैं अमलुन सालिहुन क़ब्ल अल-क़िताल जिहाद से पहले अमल सालिह करना चाहिए अच्छा अमल करना चाहिए जिहाद में शरीक होने से पहले चुनांचे अबू दर्दा कहते थे अय्युहन नास अमलुन सालिहुन क़ब्ल अल-ग़ज़्व ऐ लोगो जिहाद से पहले अमल सालिह कर लो फ़इन्नमा तुक़ातिलूना बिअमालिकुम कि तुम लोग क़िताल करते हो जंग करते हो अपने आमाल से यानी तुम्हारा अमल जैसे होगा उसी कदर जिहाद में तौफीक मिलेगी। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून के ईमान वालो तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जो कहते हो जो करते नहीं तो जो कहो वो करो ऐसा नहीं कि दावा तुम्हारा कुछ हो और काम तुम्हारा कुछ हो। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कहते हैं कि हम चंद सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे तो आपस में मुदाकरा किया। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कहते हैं कि हम चंद सहाबा एक साथ बैठे थे आपस में हमने मुदाकरा किया तो हम लोगों ने कहा अगर हमें पता चलता कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल महबूब है तो हम वो करते। इसमें आयत नाज़िल हुई सुब्हानल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तो इस आयत में कहा जा रहा है कि तुम जो कहते हो उस पर अमल भी करो। बाद लोगों ने इसी इस्तेमाल किया कि जो वादा करो उसको पूरा करके दिखाओ तो वादा वफा ना करना ये नाजायज़ है। इमाम नवी कहते हैं सीह तगलीदो उकूबत मन अमर बिमारूफिन व नहा अन मुनकरिन उस शख्स के लिए जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे मगर उसका कौल उसके फेर उसके मुखालिफ हो तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला की सख्त सजा का मुस्तहिक होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अतअमुरून अन्नास बिल बिर व तनसौन अन्फुसकुम अतअमुरून अन्नास बिल बिर पचान सौ सेकुंड लोगों को तो अच्छाई का हुक्म देते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो। ये सरजनिश के तौर पर कहा गया है और यहाँ इस आयत में कहा जा रहा है कि लोगों को हुक्म देना अच्छाई का और अपने आप को उससे दूर रखना कौल और फेज में तजाद होना ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़ी नाराज़गी का बायस है। कब्र मक़्त इंदल्लाह है अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून
उसी के बाद आया था इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। इमाम बुखारी का अमलुन सालिहुन क़ब्ला अल-क़िताल के बाब में इस आयत को जिक्र करना मुनासबत इस आयत से, ये जो आखिरी आयत है इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, इसे मुनासबत है कि अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है उन लोगों को जो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, सफ में खड़े होकर के, और उनकी सफबंदी ऐसे होती है कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस, गोया के वो मजबूत दीवार हैं, शीशा पिलाई हुई दीवार के मानिंद होते हैं। उसी को कुरान करीम ने दूसरी जगह कहा वइज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, कि जब तुम्हारी मुठभेड़ हो दुश्मन से तो फिर जम जाओ, साबित कदम रह जाओ, भागो नहीं। ये है जो कातरुन फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। अब उस सिलसिले में हदीस पेश कर रहे हैं इमाम बुखारी, जिसमें बताया जा रहा है कि अबू इसहाक कहते हैं मैंने बरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कहते हुए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया मुक़न्नउल बिलहदीद, वो लोहे का खोद पहने हुआ था या ये कि मुसल्लह था, हथियार से लैस था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो हथियार से लैस था या एक खोद पहने हुआ था, वो शख्स कौन था? तारीखों से मालूम होता है कि अम्र इब्ने साबित हैं, जो अम्र इब्ने साबित हैं, बल्कि हदीस में है अबू हुरैरा से रिवायत कि वो अम्र इब्ने साबित हैं। तो एक शख्स आए अम्र इब्ने साबित, गया कि मुसल्लह होकर के आए और कहा अल्लाह के रसूल वो कातिल व मुस्लिम, गया कि उस वक्त वो इस्लाम नहीं लाए थे, कौम की हमियत में आ गए थे, कौम की हमियत में आ गए थे, मगर इस्लाम उनके दिल में घर कर गया था, इस्लाम लाना चाहते थे। तो सिरकम सासर से आकर पूछते हैं कि आया मैं जंग करूँ या इस्लाम लाऊँ, यानी पहले जंग कर लूँ फिर इस्लाम लाऊँगा या एक पहले इस्लाम लाऊँ फिर जंग करूँ। तो आपने कहा असलिम सुम्मा कातिल, कि पहले इस्लाम लाओ फिर जंग में शरीक हो। और यही महल इस्तिशाद है कि इस्लाम पहले जंग बाद में, और इस्लाम अमल सहारे में से है। तो असलम सुम्मा कातला फ़ाकुतला, चुनांचे वो इस्लाम ले आए फिर जंग में शरीक हुए और शहीद कर दिए गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमला कलीलन व उजरा कसीरन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने काम कम किया और बहुत ज़्यादा सवाब का बहुत ज़्यादा सवाब दिया गया, काम कम किया और सवाब ज़्यादा दिया गया। ये शख्स इस्लाम ला रहा है, इस्लाम लाने के बाद जंग में शरीक होता है, शहीद हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अजर कसीर की बशारत सुना रहे हैं, अजर कसीर की बशारत सुना रहे हैं। इस वाक़या को सामने रखते हुए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों से कहते थे बताओ कोई ऐसा शख्स है जो कभी नमाज न पढ़े और जन्नत में चला जाए, बताओ कोई ऐसा शख्स है जो कभी नमाज नहीं पढ़ा और जन्नत में चला गया, बताओ वो कौन है? जब लोग जवाब नहीं दे पाते तो कहते वो उसैरिन बनी अब्दुल अशल अम्र इब्ने साबित हैं, वो अम्र इब्ने साबित हैं। इसका तज़किरा अली साहबा की तमीज़ सहाबा में है और फतुल बारी में भी इस वाक़े को जिक्र किया गया है। तो अम्र कलीलन व उजर कसीरन, उसने काम कम किया यानी सिर्फ इस्लाम लाए, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, जंग में शरीक हुए, शहीद हुए और उनको जन्नत की बशारत सुना दी गई। तो अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला तौफीक भी अच्छी अता फरमाता है। उसकी नीयत इस्लाम लाने की थी और जन्नत के हुसूल की थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की इस्लाम की तौफीक भी दी और जन्नत के असबाब भी मुहैया किए, और ये सब अल्लाह ताला के फजल एहसान से था कि उसकी नीयत अच्छी होने की वजह से। उसकी नीयत थी कि मैं ईमान लाऊंगा तो ज़िंदगी भर ईमान की हालत में रहूंगा, तो अल्लाह तबारक ताला ने उसकी इस अच्छी नीयत के बदले
उस इसकी अच्छी नीयत के बदले जिहाद में शिरकत की तौफीक अता फरमाई और शहादत नसीब की जो जन्नत का बाइस बनी। इसी तरीके से अगर नीयत बुरी हो तो उसकी तौफीक भी बुरी ही होती है। चुनांचे अगर मरते वक्त कोई शख्स कुफ्र को अख्तियार कर ले तो उसकी नीयत चूँकि कुफ्र पर रहने की थी, इस वजह से वो मरता है हालत कुफ्र में। पहले मुस्लिम था, हालत कुफ्र में ईमान मौत के वक्त कुफ्र को अख्तियार कर लेता है, उसकी नीयत चूँकि कुफ्र पर रहने की है तो उसका ठिकाना भी हमेशा के लिए जहन्नम होगा। हमेशा के लिए उसका ठिकाना भी जहन्नम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात और अल-अम्रु बिल-ख़वातिम, कि खात्मा जिस पर हो वही मामला, खात्मा बिल-खैर हो तो जन्नत में, खात्मा बिल-शर हो तो जहन्नम में जाएगा। तो एक दाई को अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह के लिए मुखलिस रहना चाहिए। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे कामों में सबकत करना चाहिए, आगे बढ़कर के अच्छा काम करना चाहिए, जिसका हुक्म मुतअद्दिद आयतों में दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वसारिउ इला मगफिरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्धुहा अस्समावात वल अर्ध उद्दत लिलमुत्तकीन, जल्दी करो अल्लाह की मगफिरत की हुसूल के लिए और उस जन्नत को पाने के लिए जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। ये तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए, नेकों के लिए, अल्लाह से डरने वाले बंदों के लिए। दूसरी आयत में कहा साबिकु इला मगफिरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्धुहा कअर्ज़िस समाए वल अर्ध, जल्दी करो अल्लाह की मगफिरत के हुसूल के लिए और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई के बराबर है। ये तैयार की गई क्या उद्दत लिल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल और करम है, अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे नवाजे और अल्लाह ताला बहुत बड़ा फ़ज़ल वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो खैरात में अच्छे कामों में आगे बढ़ते हैं उनका जिक्र किया है, मोमिन कामिल की सिफात में शुमार किया है कि जिनका ईमान कामिल होता है वो लोग खैरात में पीछे नहीं रहते, अच्छे कामों में पीछे नहीं रहते बल्कि आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा वल्लज़ीना युतूना आतव वक़ुलूबुहुम, वल्लज़ीना युतूना आतव वक़ुलूबुहुम वजलतुन, वो लोग जो देते हैं अल्लाह की राह में और उनके दिल में डर लगा होता है अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि ये अल्लाह के पास जाने वाले हैं तो जो कुछ इन्होंने खर्च किया है पता नहीं अल्लाह हमारे इस नफ़के को कबूल करेगा या नहीं करेगा, कहीं रियाकारी ना आ गई हो जिसकी वजह से हमारा सारा अमल बर्बाद हो जाए। तो जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके दिल में खौफ होता है का उलाहिक इसारुन फिल खैर, अल्लाह से डरते हुए काम करते हैं, इखलास के साथ काम करते हैं, यही वो लोग हैं जो खैरात में आगे आगे होते हैं। वहम लहा सारिकून, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों की तारीफ़ करते हुए कहा इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदउना रगबन व रहबन व कानू लना खाशिऊन, कि ज़करिया और उनके औलाद उनके घर वाले युसारिऊन फिल खैरात, खैरात में अच्छे कामों में आगे बढ़कर आगे रहा करते थे और हमें पुकारते थे रगबन व रहबन, हमारी रहमत की उम्मीद में, हमारी खौफ से कि हमारी पकड़ के खौफ से और हमारी नेमतों की उम्मीद में वो हमें पुकारते थे, वह कानूनना खाशीन और पूरे खुशो खुदू के साथ हमारी इबादत करते थे। तो इन आयतों में सब मुसाबका इलल खैरात कि अच्छे कामों में जल्दी करना चाहिए, जिसे को उर्दू में कहा जाता है नेक काम में देर क्यों, तो नेक काम में जल्दी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की मगफिरत, अल्लाह तबारक ताला की रहमत जल्दी हासिल हो। इस हदीस से मज़ीद मालूम होता है कि दावत के उसलूब में से तरगीब भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर अमीर क़लीलन व उजर कसीरन सहाबा किराम को रग़बत दिलाई कि अच्छा काम करो
कम भी काम करोगे फिर भी कम काम होगा फिर भी अल्लाह तबारक तआला अपने फजलो करम से ज्यादा सवाब देगा। चुनांचे आपने फरमाया मन कुतिल फी सबीलिल्लाह आपने फरमाया उस शख्स यानी एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है पूछता है ऐन आना या रसूल अल्लाह इन कुतिल तो एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है ऐन आना या रसूल अल्लाह इन कुतिल तो अल्लाह के रसूल अगर मैं कत्ल कर दिया गया तो मेरा मकाम कहाँ होगा मैं कहाँ जाऊँगा जन्नत या जहन्नम। काला फिल जन्नत है काला फिल जन्नत इससे मालूम हुआ कि शुहदा का मकाम जन्नत है जो अल्लाह की राह में शहीद होगा अल्लाह की राह में खिताब करते हुए लड़ते हुए शहीद होगा उसका मकाम जन्नत है। चुनांचे जब उस सहाबी को आपने जन्नत की बशारत सुनाई कि अगर जंग में तुम कत्ल कर दिए जाते हो तो तुम्हारा मकाम जन्नत है तो इसने उस सहाबी ने उनके हाथ में कुछ खजूर था जो खा रहे थे तो खजूर को फेंका अब क्या खाने की क्या जरूरत अब तो हमें जन्नत मिलेगी। फल का हदीस का अर्थ है फल का तमरा तिनफियत ही मकातला हत्या कुतला कि खजूर जो उनके हाथों में थी उसको फेंक दिया फिर जंग में शरीक हो गए यहाँ तक के शहीद किए गए। इमाम नवी कहते हैं इस हदीस के फवायद में से यह है कि शहीदों के लिए जन्नत तो ये तरगीब का पहलू है। दाई को चाहिए कि तरगीब का पहलू अख्तियार करें ताकि लोग काम में नेक काम में आगे बढ़ें। ये जो सहाबी ने पूछा उसलिमो अब कातिल असलिमो वो कातिल व उसलिमो कि मैं पहले जंग करूँ फिर इस्लाम ले आऊँगा तो गया कि वो तरतीब नहीं जानते थे तरतीब नहीं जानते थे कि हमें या जंग पहले करनी चाहिए या पहले इस्लाम लाना चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे लिए क्या बेहतर है पहले इस्लाम लाऊँ फिर जंग करूँ या पहले जंग में शरीक हूँ फिर इस्लाम लाऊँ। इससे मालूम होता है कि सवाल को बड़ी अहमियत हासिल है। जिस शख्स को कोई बात मालूम ना हो उसको चाहिए कि आलिम से पूछ ले फसल वाले जिक्र इनको तुम लतालम चुनानकी साहबी ने वही किया कि उनको पता नहीं था कि हमारा पहले इस्लाम लाना बेहतर है या जंग में शरीक होना बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नहीं पहले इस्लाम लाओ फिर खिताब हो फिर जंग में शरीक हो। तो इससे सवाल की अहमियत वादे होती है कि मसाइल का हल सवाल से मिलता है। चुनांचे इब्ने शहाब अज़-ज़ोहरी कहते थे अल-इल्मु खज़ाइन व मफातीहुहा अस्वाल इल्म खजाना है और उसकी चाबी सवाल है। सवाल करो इल्म हासिल होगा सवाल करो इल्म हासिल होगा। वहब इब्ने मुनब्बह और सुलेमान इब्ने यसार कहते थे हुस्नुल मसअलते निस्फुल इल्म कि अच्छा सवाल करना ये निस्फ इल्म है आधा इल्म तो यही है कि अच्छा सवाल हो। और अली इब्न ताहिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे ला यखाफुल अब्दु इल्ला ज़म्बह वला यरजू इल्ला रब्बह वला यस्तही जाहिलुन अन यसअल वला यस्तही आलिमुन इल्लम यअलम अन यकूल अल्लाहु अअलम ला यखाफुल अब्दु इल्ला ज़म्बह बंदे को अपने गुनाह से डरते रहना चाहिए और उसे अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और जाहिल को सवाल करने से शर्म नहीं करना चाहिए कि जहल को सवाल के ज़रिए से ही दूर किया जा सकता है। और एक आलिम को जब उससे सवाल किया जाए और जवाब न मालूम हो तो अल्लाहु आलम कहने में भी शर्म नहीं करना चाहिए। तो इससे बहरहाल सवाल की अहमियत जाहिर होती है कि सवाल से बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि तवक्कुल अल्लाह असबाब को छोड़कर नहीं होना चाहिए और असबाब को अपनाना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। इस हदीस से मालूम होता है कि असबाब को अपनाना तवक्कुल के मुनाफी नहीं है क्योंकि इसमें आता है रजुलुन मुकन्नउन बिल हदीद हथियार से लैस या हथियार का खोद पानी हुआ था उपचार तो
तो गया कि अल्लाह पर तवक्कुल था और असबाब भी अपनाए हुआ था। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जो शख्स असबाब को ना अपनाए और कहे कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल रखता हूँ, तो उसका तवक्कुल सही नहीं। लिअन्ना तवक्कुल मिन अक्वल असबाब फी हुसूल मुतवक्किल फी, क्योंकि तवक्कुल असबाब में सबसे मजबूत सबब है जिसके बारे में अल्लाह पर तवक्कुल रखता है उसके हुसूल के लिए। जिस मसले में अल्लाह से तवक्कुल रखता है कि अल्लाह ऐसे दे, उस मसले में असबाब को अपनाना सबसे कवी सबब है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। सबब दुआ के मानिंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को सबब बनाया है उस चीज़ के हुसूल के लिए जिसको वो तलब कर रहा है। तो तवक्कुल सबब में सबसे अहम है मतलूब को हासिल करने के लिए। इब्न क़य्यिम कहते हैं जिसने असबाब का इनकार किया उसका तवक्कुल सही नहीं, यानी जो असबाब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करे कि अल्लाह तो देगा ही, उसका तवक्कुल सही नहीं, उसने तवक्कुल का माना समझा ही नहीं। उस तवक्कुल का मतलब यह है कि असबाब अपनाओ मगर असबाब पर ही तुम्हारा एतमाद ना हो। तवक्कुल का मतलब यह है कि असबाब अपनाओ मगर असबाब पर ही तुम्हारा एतमाद ना हो। तुम्हारा एतमाद असबाब अपनाने के साथ साथ अल्लाह से तलब होना चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमारी मदद करे। एक दाई को चाहिए कि उसका तवक्कुल अल्लाह तबारक व तआला पर हो और साथ ही साथ उन असबाब को भी अपनाए जिसे अल्लाह ताला ने मशरू करार दिया है। अल्लाह ताला ने कहा वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, कि अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद रखो अगर तुम मुमिन हो। और कहा वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिही, उस ज़ात पर एतमाद रखो जो हमेशा ज़िंदा है, से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, जिसको मौत कभी लाहिक नहीं होगी। और इसके साथ साथ वसब्बिह बिहम्दि रब्बिही और बिहम्दिही, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहमीद बयान करते रहो कि अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहमीद बयान करोगे तो जिस पर तुमने एतमाद रखा है वो तुम्हारी बात सुनेगा और तुम्हें वो चीज़ें देगा जिसका तुम जिसको तुम तलब कर रहे हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहु हसबुह, जो अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। मगर एतमाद कैसे? असबाब को अपनाते हुए, जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा ऊँट के लिए कि ऊँट को छोड़ दूँ क्या, तो आपने कहा एकलहा व तवक्कल अलल्लाह, ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद करो, यानी असबाब इख्तियार करो और फिर अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल रखो, तो ये तवक्कुल का सही तरीका होगा। अल्लाह ताला हम सबको असबाब अपनाने और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखने, सवाब की उम्मीद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।